पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है। पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, ये मानवता का कैंसर है। पूरे देश का ध्यान आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर है, और उधर दूसरी तरफ सीएम योगी ने पाकिस्तान पर ऐसा बयान दे दिया कि उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी। योगी ने कहा कि पाकिस्तान एक नासूर है और ऑपरेशन के बाद ही इस कैंसर का समाधान होगा। पाकिस्तान के साथ योगी ने पीओके पर भी अपना आखिरी फैसला बता दिया। योगी के इस ऐलान का असर इस्लामाबाद तक दिखने वाला है। सीएम योगी ने भगवान कृष्ण की बात करके मुरली के साथ सुदर्शन चक्र का महत्व बताया। योगी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई नया अस्त्र लॉन्च करने वाले हैं। अब पाकिस्तान सीएम योगी का यह बयान सुन घबराया हुआ है, क्योंकि पीओके में आप देख ही रहे होंगे क्या क्या चल रहा है। पाकिस्तानी सेना को वहाँ की जनता खदेड़ रही है और वहाँ से एक ही आवाज उठ रही है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी। और इसी के बीच योगी का यह बयान अगर पीओके वासियों ने सुन लिया तो पाकिस्तान की तो समझो खैर नहीं, क्योंकि बगावत के सुर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दरअसल सीएम योगी कल त्रिपुरा के अगरतला में थे। यहाँ त्रिपुरा के बराकथल में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। यहाँ सीएम योगी ने पहले तो भगवान श्री कृष्ण की बात की। बोले, भगवान श्री कृष्ण की स्मृति सामने आते ही तब उनके एक हाथ में मुरली होती है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन, यानी कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा धोया कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, ये मानवता का कैंसर है। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। तो आप भी सुनिए सीएम योगी का यह बयान, फिर दिखाते हैं आपको पाकिस्तान में इस बयान के बाद क्या क्या होने लगा। पहले जो आंदोलन किया था 1905 में, बंग भंग का जो अंग्रेजों की साजिश थी, जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्रनाथ मंडल ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है। और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, ये मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान, ये मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। तो सुना आपने, योगी ने पाकिस्तान की जड़ें हिलाकर रख दी, लेकिन सीएम योगी का यह बयान पाकिस्तान का अब हर शख्स सुन रहा है। अब वहाँ के हालात तो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान की जनता ही अपने हुक्मरानों को लताड़ती रहती है। पीओके की जनता तो भारत में मिलने को तैयार ही बैठी है। ऐसे में योगी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वहाँ के नेता और अधिकारी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इस बयान के बाद भारत क्या कुछ बड़ा करने वाला है। फिलहाल पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान हैं, लेकिन भारत का स्टैंड तो एकदम क्लियर है। पीओके भारत का है, था और वो इसे लेकर रहेगा। आप सीएम योगी के इस बयान पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।